हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल आरके टेक्निकल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप सभी लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के दौरान आप सभी लोगों से बताऊंगा, फ्रेंड जैसे हम अपना फ़ोन किसी को यूज़ करने के लिए देते हैं या फिर कोई अदर पर्सन हमसे मांगता है कि मुझे कॉल करनी है, आपका फ़ोन चाहिए, तो फ्रेंड्स वो हमारा फ़ोन ले लेता है और इस्तेमाल करने लग जाता है और बाद में फ्रेंड्स वो हमारे फ़ोन के जो अंदरूनी ऐप्स हैं उनमें झांकना शुरू कर देता है उनके बारे में और हमारी जो पर्सनल डिटेल है उसे देखना शुरू कर देता है। तो फ्रेंड्स, अपने फ़ोन को सिक्योर करने के लिए आज मैं आप सभी लोग ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप अपने फ़ोन को सेफ रख सकते हैं और अपने फ़ोन को किसी अदर पर्सन के हाथ में जाने से बचा सकते हैं और वो अदर पर्सन आपका फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, उस ऐप की चाबी सिर्फ आपके ही पास रहेगी। और फ्रेंड्स, इस ऐप के बारे में एक ख़ास बात और बताता हूँ आप सभी लोगों को कि ये ऐप जब भी आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे वो ऐप लॉक नाम से नहीं सेव होगा, वो किसी और नाम से सेव होगा जिससे कि अदर पर्सन को ये भी नहीं पता लग पाएगा कि आपके फ़ोन में लॉक लगा हुआ है। और फ्रेंड्स, इसमें एक फ़ीचर ऐसा भी है, जैसे आपका वॉल्यूम बटन है आप अपने वॉल्यूम बटन से सेट कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने वॉल्यूम बटन को ऐप लॉक में जाके सेट कर दें कि इसे 3 बार दबाएँ तो लॉक खुले या 4 बार दबाएँ तो लॉक खुले। तो फ्रेंड्स, ऐसे या अप और डाउन दोनों की का इस्तेमाल करके आप लॉक खोल सकते हैं। और फ्रेंड्स, अदर पर्सन आपके फ़ोन में अगर आपके किसी भी जिस ऐप में आपने लॉक लगाया है अगर उसको ओपन करेगा तो उसे ब्लैंक स्क्रीन दिखेगी जिससे उसे ये लगेगा कि आपका फ़ोन ख़राब है या फिर ये ऐप जो है वो करप्ट है और वो आपका फ़ोन इस्तेमाल नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग भी मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को फ्रेंड जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो मैं फ्यूचर में अपलोड करूं आप सभी लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकें। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर आ गया हूँ। यहाँ पे आके फ्रेंड्स आपने जाना है गूगल प्ले स्टोर में। गूगल प्ले स्टोर में जाके फ्रेंड्स आपने यहाँ पे टाइप करना है ऊप्स ऐप लॉक। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पहले आ चुका है तो फ्रेंड्स इसे सिलेक्ट कर लें। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं इस ऐप के बारे में बता देता हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए, इसकी 4.2 रिव्यूज़ रेटिंग है और इसके 5 मिलियन प्लस डाउनलोड हो चुके हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इसे इंस्टॉल करके आप सभी लोगों को दिखा देता हूँ कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। तो फ्रेंड्स अभी इंस्टॉल हो रहा है, तो आइए फ्रेंड्स मैं आपको इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ओपन करने के लिए फ्रेंड्स इसे नेक्स्ट कर दें। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा आ रहा है सेट वॉल्यूम की पैटर्न, यानी फ्रेंड्स आप यहाँ से जो अपनी वॉल्यूम की है उसे 1 बार दबाएँ तो लॉक खुले या 2 बार दबाएँ तो लॉक खुले या 3 बार दबाएँ या 4 बार दबाएँ या 4 बार दबाएँ। तो यानी फ्रेंड्स आप ऐसे ही इसे सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिलहाल मैं इसे 2 बार वॉल्यूम अप की दबाऊंगा और इसे नेक्स्ट कर दूंगा। उसके बाद फ्रेंड्स फिर से मैं वॉल्यूम अप की दबाऊंगा 2 बार, फिर से कंफर्म हो गया। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लें, जैसे ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर, और यहाँ से आप इसे नेक्स्ट कर दें और ये परमिशन यहाँ पे दे दें इसे। यहाँ पे फ्रेंड्स इसे परमिशन ऑन कर दें, उसके बाद बैक जाएं फ्रेंड्स और यहाँ पे भी इसे परमिशन दे दें इस ऐप को यूज़ करने के लिए। अब बैक जाएं, अब फिनिश। तो फ्रेंड्स मैं आपको इस ऐप को इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, जब मैंने इसे 2 बार वॉल्यूम की दबाया तो ये ऐप जो है वो ओपन हो गया। अब यहाँ पे आके फ्रेंड्स आप किसी भी ऐप को लॉक कर सकते हैं, जैसे मैं इसे लॉक कर देता हूँ फेसबुक को, या अपने कोई आपका बैंक का कोई ऐप है आप उसे लॉक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे व्हाट्सएप है मैं इसे लॉक कर देता हूँ, यूट्यूब को लॉक कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने यहाँ पे फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब इसे मैंने लॉक कर दिया है। लॉक करने के बाद फ्रेंड्स जहाँ पे ऊपर निशान है इसे हम ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद अब हमारा फ्रेंड जो ये तीनों चीज़ें ये लॉक हो गई हैं।
अब मैं बैक जाता हूँ। बैक जाके फ्रेंड जैसे ये व्हाट्सअप है मैं इसे ओपन करके दिखाऊंगा। तो ये देखिए फ्रेंड, जब आप व्हाट्सअप को ओपन करेंगे तो कुछ ये ऐसा दिखेगा, खाली स्क्रीन दिखेगी। और जैसे मैं इसके वॉल्यूम की को दो बार प्रेस करूँगा तो ये ऑन हो जाएगा। वैसे ही फ्रेंड्स जब मैं फेसबुक ऑन करूँगा, ये देखिए फेसबुक ऑन करूँगा तब भी ये स्क्रीन ऐसी आ जाएगी और लोगों को ये लगेगा कि आपका फ़ोन जो है वो ख़राब है। और जैसे ही मैं इसकी वॉल्यूम अप की दो बार प्रेस करूँगा ये लॉक खुल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही कमाल का ऐप है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फ़ोन में। और फ्रेंड्स इस ऐप की सबसे खासियत ये है कि ये जो ऐप है फ्रेंड्स ये किसी और नाम से सेव होता है, यानी कि ये K9 के नाम से सेव हो जाता है, K Note नाम से। जिससे फ्रेंड्स क्या होता है कि लोगों को ये भी नहीं पता लगता है कि एप्लीकेशन ऐप लॉक की है। तो फ्रेंड्स ये था वो ऐप जिसके बारे में मैंने आप सभी लोगों को बताया। आई होप जो भी फ्रेंड्स मैंने आप सभी लोगों को जानकारी दी है इस वीडियो के दौरान आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स कमेंट ज़रूर करें। और फ्रेंड्स अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।